गुड इवनिंग टू यू ऑल। पहले ये बताइए आज के टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा? नहीं नहीं, अंदाजा लग जाता है पेपर देखने के बाद, अंदाजा लग जाता है। ऐसा नहीं है पेपर देखने के बाद अंदाजा नहीं लगता। अरे उसमें थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता, लेकिन मोटा मोटी आपको तो ये पता होगा ना कि आपने क्या किया है, कितनी भसर मचाई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अंदाजा नहीं लगता। जैसे कभी हम लोग ही क्लास लेते हैं, नहीं तो उसके लिए बाहर जाके रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती। क्लास में रहते रहते लगने लगता है कि आज जो है फुटवर्क काम कर रहा है या नहीं, और अगर फुटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं तो उस स्थिति में है कि जल्दी बाइंड अप किया जाए। तो वो आइडिया तो आपको भी लगा होगा। क्या संजन जी, क्या किया है आज? समस्या इसके अलावा भी कुछ है जो ब्लैक बोर्ड पर हमने इनलिस्ट कर रखे हैं? ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है एक बिहार स्पेसिफिक करंट छोड़ करके। क्या और भी कोई समस्या है? अब मानसिक इमोशनल हो तो नहीं कर सकता रिवीजन का? मींस पर्सपेक्टिव से रिवीजन कर रहे हैं, मतलब हाँ जब पढ़ रहे हैं तो क्या सिंपल सी चीज जानिए, प्री के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो वो प्री पर्सपेक्टिव में ही होगा, मींस पर्सपेक्टिव में नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ पर आती है मैं आपको बतला दूं। रिवीजन का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। रिवीजन का मतलब समझते हैं? और अगर कोई समझते हैं तो जरा मुझे समझाइए, क्योंकि रिवीजन पर अगर मैं कहूँ रोल ऑफ रिवीजन, टेन टू 15% आपका परफॉर्मेंस जो है रिवीजन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी तैयारी 100 क्वेश्चन की है और रिवीजन प्रॉपरली नहीं है तो मोटा मोटी आप लेकर के चलें 85 प्लस माइनस पर आप रहेंगे, 85 प्लस माइनस पर रहेंगे। तो पहली चीज आप इस चीज को समझें, रिवीजन की अहमियत को समझिए, रिवीजन की अहमियत को समझना होगा नंबर वन। नंबर टू, प्रश्न उठता है रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के लिए हम कितना समय दें, रिवीजन के लिए हम कितना समय दें, रिवीजन पर हम कितना समय खर्च करें। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने प्रिपरेशन पर कितना समय दिया है। अगर आपने किसी चैप्टर को पढ़ने में आपको 5 घंटे लगे और रिवीजन के लिए आपको 4 घंटा चाहिए तो इसका मतलब है आप रिवीजन का मतलब नहीं समझ रहे। और शुरू से मैं कहता हूं 5 घंटे के बदले हम 7 घंटे का समय हम दे दें प्रिपरेशन पर, लेकिन एक बार अगर उस चैप्टर को हमने प्रिपेयर कर लिया तो जब रिवीजन पर हम आते हैं तो किसी भी स्थिति में रिवीजन में 1 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। दोबारा अगर रिवीजन करने जा रहे हैं तो वो 1/2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। मेरे लिए रिवीजन का मतलब यह है, अगर इस अप्रोच और इस स्ट्रेटजी के साथ आपने तैयारी की है तब तो आप रिवीजन के जरिए जो आपने प्रिपरेशन किया है उसको कैपिटलाइज करवाने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर इस अप्रोच के साथ आपने तैयारी नहीं की है तो आप उसको कैपिटलाइज करवाने की स्थिति में नहीं होंगे। और मोस्ट ऑफ द केस में अगर मैं कहूं अपने मतलब यहां तो मैक्सिमम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टूडेंट लाइफ का ही अनुभव, उसी के कंटेक्स्ट में ना मैं चर्चा करूंगा। नहीं, आप मेरे ही मटेरियल को मुझे दे दें पढ़ने के लिए और मुझे क्लास लेना हो, बस वो नया मटेरियल मेरा होना चाहिए, मुझे क्लास लेने के लिए 7 से 8 घंटे का समय चाहिए उस टॉपिक पर। नहीं नहीं भी तो 5 घंटा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरा मटेरियल पढ़ा हुआ है और उस मटेरियल पर हमें क्लास लेना है
तो 3 से 4 मिनट का समय काफी है। 3 or 4 मिनट विल बी सफिशियंट, मतलब 3 से 4 मिनट में जितनी चीजों पर नजर दौड़ा लूंगा ना, 2 घंटा क्लास लेने के बाद भी चीजें बची रह जाएंगी अगले क्लास के लिए। तो रिवीजन का मतलब यह होता है, जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जब रिवीजन करने जा रहे हैं नहीं तो पता चला एंशियंट इंडिया रिवाइज आप कर रहे, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक मतलब जहां पर चर्चा है वैदिक समाज की संरचना, वहां पर लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, और रिवीजन में भी आप इसको पढ़ रहे हैं, रिवीजन में भी इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब रिवीजन का मतलब आपको नहीं पता है। रिवीजन का एक ही पर्पस होता, जो कंफर्ट जोन हमारा है वहां पर जितनी तेज हम भाग सकते बस नजर पड़ते चले जाए, जो अनकंफर्ट जोन है, सेमी कंफर्ट जोन है, वहां पर थोड़ा सा थोड़ी गति हमारी धीमी होगी, ताकि सेमी कंफर्ट जोन, हर रिवीजन के साथ सेमी कंफर्ट जोन से कुछ चीजों को हम कंफर्ट जोन में लाएं। और तीसरा, जो अनकंफर्ट जोन है वहां पर रिवीजन में थोड़ा ज्यादा समय हम देंगे, और हमारी कोशिश होगी कि अनकंफर्ट जोन से चीजों को कंफर्ट जोन में लाएं, सेमी कंफर्ट जोन में लाएं, और कुछ चीजों को हम कंफर्ट जोन में लाएं, और हर बार इसी तरह से एलिमिनेट करना है रिवीजन के लिए जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे, और फोकस को लगातार परिवर्तित करना है, रिवीजन का यह मतलब है मेरी नजरों में। और इसीलिए मैंने कहा कि हर रिवीजन में पिछले वाले रिवीजन की तुलना समय कम होगा। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ चर्चा की थी, पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री रेनेसा फेज से लेकर के एंड ऑफ कोल्ड वॉर तक करीब करीब 30% ऑफ सिलेबस हमने अपने लास्ट अटेम्प्ट में मेंस के समय 35 मिनट में पूरा रिवाइज किया था। ब्रेक होता है ना 2 सिटिंग के बीच, उस अवधि के दौरान, और वो उसी स्ट्रैटेजी के साथ रिवाइज किया जो स्ट्रैटेजी आपको बतला रहा हूं। हाँ, लेकिन पहली बार जब पढ़ रहा था तो उस पर आप लोग सामान्यतः जितना समय देते थे उससे करीब करीब 2.5 गुना समय ज्यादा मुझे लगा, नहीं? लेकिन उसके बाद आप जितना समय देते हैं उसके 90% समय को हमने बचाया। तो रिवीजन का मतलब समझिए, मोस्ट ऑफ द केस में मैं जो चीज महसूस करता, रिवीजन का आपको मतलब ही नहीं पता, रिवीजन का मतलब पहली बार जैसे पढ़े हैं उसी तरह दूसरी बार उसको पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे। यह बात स्पष्ट हुई, और बिना प्रॉपर रिवीजन के कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन में प्रश्नों के गलत होने की संभावना बढ़ेगी, बढ़नी ही बढ़नी है। यह बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो एक तो यह कंटेक्स्ट हो गया, और यह बात हमने किसके कंटेक्स्ट में की, कहीं रिवीजन हमने लिखा था नहीं, अच्छा ऊपर लिख दिया, चलिए ठीक है। एक ये कंटेक्स है, स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप ऑफ पेन, कंफ्यूजन की समस्या का समाधान बतलाया, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, ठीक है? और कॉन्फिडेंस गेन करने में रिवीजन अहम रोल प्ले करेगा। कंफ्यूजन का एक और कारण है अपने ऊपर भरोसा ना होना, और अपने ऊपर भरोसा ना होने का कारण अगर आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की है, भसर तो आप लोगों ने मचाई है,
मुझे ये कहने में एक पैसे की हिचक नहीं है। जबरदस्त भसर मचाई है आप लोगों ने, क्योंकि बीपीएससी ने कैलेंडर तो बहुत पहले 30 सितंबर का जारी किया था, बहुत पहले जारी किया हुआ था ना, नहीं? इसका मतलब उसने आपको डेडलाइन दे दिया कि अमुक समय में हम पीटी लेंगे, अमुक समय में मेंस लेंगे, जाओ जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ। और आप लोगों ने भी कसम खा ली तो कोई कितना भी टाइम दोगे, इंडियन टीम की तरह मैच को हम उतना ही मुश्किल बना लेंगे, और उस मुश्किल मैच को 10 बार ट्राई करेंगे, 2 बार जीतेंगे, 8 बार हारेंगे। ये नई वाली इंडियन टीम की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिकेट टीम की, पुरानी वाली टीम की बात कर रहा हूं, समझे? तो वो काम तो आपने किया है, मुझे अभी कहने में ये हिचक नहीं है, और मौका अभी ही कहने का मौका मिला है, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ये चीज कहा था कि फिर आप लोग भसर मचाएंगे, क्योंकि लगभग मैं मान करके चल रहा हूं 30 सितंबर को एग्जाम अब नहीं होगा, और 30 सितंबर को अगर पीटी एग्जाम नहीं होगा तो अब शायद छठ के पहले संभव ना हो, शायद कह रहा हूं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी भी रिलैक्स है, आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज में लगातार आप गलतियां कर रहे हैं, इन गलतियों से आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, और कितनी सीखने की कोशिश करेंगे पर्सनली मुझे डाउट है, क्योंकि आप लोगों की एक्टिविटी पर मेरी भी नजर है। दूसरा रीजन जो है, तो एक तो रिवीजन के जरिए कॉन्फिडेंस गेन करना है, प्रॉपर तैयारी भी आपको कॉन्फिडेंस देगा, रिवीजन तो सेकेंड स्टेज की चीज है। जब तक व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ेंगे नहीं, कई बार बच्चे हमारे पास आते, कैसे पढ़ रहे? सर यूट्यूब से पढ़ा है सर, ठीक है सर, फलाने जगह जो है गूगल से, ये गूगल से तो कैसे तैयारी होती है यार, यूट्यूब से कैसे तैयारी होती है, कम से कम मुझे तो समझ भी नहीं आया। मैं तो एक चीज जानता हूं, गूगल हो या यूट्यूब, वो सपोर्टिव रोल में हो सकते हैं, गूगल या यूट्यूब सपोर्टिव रोल में हो सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से किसी भी कीमत पर तैयारी संभव नहीं है, चाहे गूगल के जरिए आप करना चाहें, चाहे यूट्यूब के जरिए करना चाहें, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, ठीक है? तो अब सवाल यहां पर यह उभर करके आता, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करेंगे, विजन के साथ तैयारी करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा अपने आप के प्रति, क्योंकि तैयारी करने के क्रम में क्वेश्चन बैंक की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन बैंक की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी के प्रति रेस्पॉन्सिव होगा, आपको लगेगा कि हमारा सोर्स मटेरियल सही है, हमारा डायरेक्शन सही है, और जब ये दोनों चीजें लगेंगी तो कॉन्फिडेंस तो गेन करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुछ और भी रीजन है इसके, ठीक है? जैसे कई बार देखेंगे गार्जियन बच्चे की तारीफ करते हैं क्या, और ये किताब की बात नहीं बता रहा, पढ़ने में तो बहुत तेज है, दिमाग इसका बहुत शार्प है, लेकिन दिक्कत क्या है, बैठता ही नहीं है, नहीं जरा बैठाइए उसको 8 घंटे, सारी तेजी ना निकल गई, सारी तेजी अगर नहीं निकल गई 8 घंटे 9 घंटे आप बैठाइए, अगर सारी तेजी नहीं निकल गई तो आप मुझे कहिएगा, निकलनी ही है, नहीं? क्योंकि गीली रुई को पानी में डालें तो वो कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा, और सूखी रुई को अगर पानी में डालेंगे तब कितना एब्जॉर्ब करेगा, दोनों में अंतर होगा या नहीं? और गिली रुई जो है ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी क्या, नहीं? तब पक्का श्योर है, कोई साइंस का फॉर्मूला काम करता है फिजिक्स का इस पर, सूखी हुई रुई नहीं? तो अगर आप जाकर के देखें, जब 7 घंटा 8 घंटा के आगे बढ़ेंगे ना, तो इधर से चार्ज करेंगे, उधर से डिस्चार्ज होगा, ऐसा होता है,
जब 7 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे, जब चार्ज करने की कोशिश करेंगे, हाँ मोबाइल देख लो, मोबाइल देख लो, जरूरी है, ठीक है। तो जब इधर से चार्ज करेंगे तो रिपल्सन भी शुरू होगा, ऐसा होता है या नहीं? एक समय के बाद 7 घंटे 8 घंटे के बाद लगता चलो बहुत हो गया, नहीं? तो उस स्थिति में रिटेन करने की आपकी कैपेसिटी भी प्रभावित होगी। दूसरा, कई बार गार्जियन को देखता हूं कहते हैं मेहनत तो बहुत करता है लेकिन इसका दिमाग मोटा है, समझ, ये थोड़ा सा मोटी बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है, समझे, मेहनत बहुत करता है। अरे वो जितना होगा नहीं उससे ज्यादा तो बोल बोल करके आप एक साइकोलॉजिकल बैरियर आप क्रिएट कर दे रहे। अरे हर आदमी के परसीव करने की क्षमता अलग होती है, हर आदमी के रिटेन करने की क्षमता अलग होती है। और मैं सिंपल सी, पटना में एक दौर में पीटी के हिस्ट्री में एक शिक्षक हुआ करते थे अनिल सिंह जी, अभी हैं या नहीं है मैं नहीं कह सकता, ठीक है। और अनिल सिंह जी की खासियत थी कि यूपीएससी पीटी के लिए पढ़ाते थे तो 22 से 24 कॉपी केवल पीटी के लिए और 14 महीने केवल पीटी के लिए पढ़ाते थे हिस्ट्री, 14 नहीं 21 22 महीने केवल हिस्ट्री। और उस 21 22 महीने में 15 से 16 महीने एंशियंट इंडिया पढ़ाते थे, बुद्ध कहां पर बैठ करके बाल कटवाए हैं, इतना तक का लेखा जोखा होता था। मैं मतलब विथ ड्यू रेस्पेक्ट ये बातें कर रहा हूं। और जब हम लोग डिस्कशन करते थे तो उनके एक दो शिष्य थे, समझे, एक यही बेटा के थे हमारे मित्र, तो आंख बंद करते थे और बोलना शुरू करते थे तो धारा प्रवाह कोमा फिलोसॉफ सहित बोलते चले जाते थे। हम लोग कॉन्फिडेंस लूज करने लगते थे। अब बहुत व्यावहारिक बात बतला रहा हूं, समझे, तो कॉन्फिडेंस गेन करने का कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने भी बना रखा था। जब वो बोलना शुरू करते थे कुछ देर में क्या किया, उनको बीच में टोन दिया। अब टोन दिया था, अब वो तो रटा हुआ है, फ्लो टूटा, तो अब फिर शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू होगा। दूसरा, कई बार जब हम लोग मिलते थे, पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं करते, डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए, सामने वाले ने 5 क्वेश्चन पूछा, जानते ही नहीं है। तो 5 क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, जवाब नहीं दीजिएगा, प्रेशर बिल्डअप होगा या नहीं होगा? और प्रेशर बिल्डअप होगा तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे, नहीं? तो इसकी काट हम लोगों ने टैक्टफुली निकाल रखी थी। वो 5 पूछेगा जिसका जवाब अगर नहीं दूंगा तो हम 10 पूछेंगे जिसमें 1 का जवाब सामने वाला नहीं देगा, गारंटी है, ठीक है। और जब हम पूछेंगे और वो जवाब नहीं देगा तो हम कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और सामने वाला लूज करेगा। तो ऐसे बैलेंस क्रिएट करते थे। बार बार एक बात कहता हूं, प्रिपरेशन साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये ऐसी समस्या है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, वो आपको कॉन्फिडेंस गेन नहीं करने दे रहा, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी आपके भीतर मौजूद है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला काम करूंगा कि ऐसे आसपास में जो भी लोग हैं जो आपके बारे में निगेटिव सोचते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से अपने को दूर करें, कोई संपर्क नहीं, 0 कॉन्टैक्ट। अच्छा लगे बुरा लगे, नजदीक हो दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत करीबी दोस्त हो बहुत करीबी दोस्त नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड करें, क्योंकि उनके साथ निकट संपर्क में रहना आपको, आपके लिए जो है बर्डन क्रिएट करेगा और उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी और जीवन भर कीमत चुकानी होगी। एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको जानते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं,
जो आपके भीतर की पॉजिटिविटी जो है उस पॉजिटिविटी को उभारने का काम करते, जो आप में कॉन्फिडेंस लगातार शो करते। बातें स्पष्ट हुई? तो एक ये कंटेक्स्ट है। तीसरा ये स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप ऑफ पेन, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था मोना मोबाइल लेकर के, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी काम था। तो हमेशा ध्यान रखे, पहले भी मैंने कहा है, अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदा संदेह बना रहता है। और इसी बात को कबीर दास ने कहा है, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हांसी। जो काम करते हैं, देखिए अंतर क्या होता, इस बात को समझे। जैसे कल ही बात हो रही थी, ठीक है, केशव से, और कल ही बात हो रही थी पूजा से, नहीं, दोनों के अप्रोचेज अलग अलग हैं। पूजा ने कहा कि सर, जिस समय लगता है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम बंद कर देते, नहीं पढ़ते, ठीक है। केशव ने कहा हम उस समय भी कोशिश करते। कोई अप्रोच गलत नहीं है, फर्क क्या होता कि जो दो घंटा तीन घंटा चार घंटा पढ़ते हैं उनके पास दो एडवांटेज होता है। ये खाली होता है, नहीं खाली होता है तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, नहीं मेमोरी खाली होती है, तो मेमोरी खाली होगी तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को डाल पाएंगे। और दूसरी चीज क्या होती है, जो दो घंटा तीन घंटा चार घंटा पढ़ता है तो ऑब्वियसली आप नोटिस कीजिएगा, वो उस समय पढ़ता है, रूटीन में बंधेगा नहीं, वो उस समय पढ़ेगा जब उसकी इच्छा होगी, और जब उसकी इच्छा होगी तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन लेवल उसका बेहतर होगा, और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बेहतर होगा तो परसीव करने की क्षमता बेहतर होगी, रिटेन करने की क्षमता बेहतर उसकी होगी। रिटेंशन, दिमाग खाली है तो ज्यादा चीजें अटेंगी, और दूसरा अगर कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है, फोकस्ड है, तो रिटेन करने की कैपेसिटी उनकी बेहतर होगी। अब ये सावधानियां आपको एग्जामिनेशन हॉल के दो घंटे के भीतर भी इंश्योर करनी, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। एग्जामिनेशन हॉल में जो दो घंटा आपको मिलने जा रहा है, उस दो घंटे के अंदर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंटेन करना है जो जिस कॉन्सेंट्रेशन जो रेयर है, जो रेयर है, क्योंकि एक क्वेश्चन को मिस करने का, जानते हुए एक क्वेश्चन को मिस करने का मतलब है 1.33 मार्क्स के डिफरेंस का क्रिएट होना। एक जो शर्तिया आपके आपके मार्क्स में एड ऑन होना था, और 0.33 जो गलत होने के कारण डिडक्ट हो रहा है, ये डिफरेंस है 1.33 मार्क्स का है। और तीन से चार क्वेश्चन ऐसे अगर आपने मिस किए तो काम खत्म है, काम खत्म है, अगले बार के बारे में सोचे। और ये समस्या आप लोगों को आ रही होगी, ये जो स्लिप ऑफ माइंड स्लिप ऑफ पेन की बात कर रहे हैं, दो टर्म यूज होता है, सिंहावलोकन विहंगावलोकन, नहीं, गर्मी में स्नान करते हैं और ठंड में स्नान करते हैं ना, दोनों में अंतर होता है या सेम अप्रोच होता। ठंड में स्नान के लिए एक फ्रेज यूज होता है, कौआ स्नान, ठीक है। अगर घर में गार्जियन है, बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो हाथ धो लिए, पैर धो लिए, बाल ऊपर से भिंगा लिए, चेहरा धो लिए, और चुपचाप जो है कपड़ा अंदर से पहन करके निकले, नहीं सामने वाले को लगा बाल तो भिगा हुआ लग रहा है, हाथ हो तो भी नहीं। कौआ स्नान मत करें, प्रश्न को, प्रश्न की बारीकियों को समझें, बारीकियों पर ध्यान दें, और प्रश्न को प्रॉपरली पढ़ने की कोशिश करें, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, ठीक है। क्योंकि स्लिप ऑफ माइंड स्लिप ऑफ पेन का संबंध सीधे है, यू आर लैकिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन लैक कर रहे हैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें एक स्पेसिफिक कारण की मैं चर्चा करता। कई बार क्या होता है,
प्रश्न आपके सामने होता, एक पेज पलटा, दो पेज पलटा, तीन पेज पलटा, पता चला सारे प्रश्न हो जा रहे हैं। या कई बार, एक बार पेपर हम लोग क्या करते थे, एक बार तेजी से पेपर पलट जाते थे, ठीक है, तो परसेप्शन निर्मित हुआ पेपर आसान है। तो जब ये परसेप्शन बना कि पेपर आसान है तो वहीं से नहीं होने का खतरा पैदा होता है, क्योंकि जैसे ये परसेप्शन बनेगा कि पेपर आसान है, कैजुअल आप होंगे, और कैजुअल जैसे होंगे गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी। तो जब पेपर आसान लगे ना, तो अपने आप को यह समझाइए कि आसान आप ही के लिए नहीं है, आसान और लोगों के लिए भी है। और आसान पेपर में अगर आप जानते हुए प्रश्नों को गलत कर रहे हैं या आसान प्रश्नों को गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, या आप खुद चाहते हैं। बड़े क्लियर शब्दों में मैं कह रहा, कई बार पेपर पलटेंगे, वो सिचुएशन आगे के टेस्ट में मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है। पेपर मुश्किल है, तो पेपर मुश्किल है, जैसे ये परसेप्शन निर्मित होगा तो कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। तो अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि पेपर अगर मुश्किल हो ना, कठिन हो प्रश्न, तो आप ही के लिए कठिन नहीं है, सबके लिए कठिन है। अपने आप को यह चीज समझा दें। दूसरी चीज, अपने आप को यह समझाने की कोशिश करें कि अगर पेपर कठिन है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आप कठिन प्रश्नों को कर पाने की स्थिति में है या नहीं। तो कहेंगे किस पर निर्भर करेगा, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जो आसान प्रश्न है वहां पर आप परफॉर्म कर पाने की स्थिति में है या नहीं, अपना बेस्ट दे पाने की स्थिति में है या नहीं। कठिन है तो सबके लिए कठिन है, और दूसरा जो जान रहे हैं वहां पर तो आप मिस नहीं कर रहे। दो चीजों को इंश्योर करें, पीटी को कोई नहीं रोक सकता, और इसलिए पीटी का होना कोई उपलब्धि नहीं है, पीटी का ना होना चिंता का विषय है। इस बात को समझिए, इस बात को रुक करके समझने की जरूरत है, ठीक है। तो समस्या साइकोलॉजिकल है, तो रिस्पॉन्स भी क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही होना चाहिए। समस्या अगर रियल है तो फिर रियल सॉल्यूशन तक आपको जाना होगा। बातें स्पष्ट हुई, कोई डाउट इसमें? तो अब अगर यहां से आगे बढ़े, प्रश्नों का लंबा होना, यह खुशबू की शिकायत थी, ऑनलाइन में है, और तीन चार बातें मैं कहना चाहूंगा। पिछले बार बीपीएससी के प्रश्नों को पलटे, मैं अपनी बात बतलाता। शुरू शुरू में जब मैं प्रश्न सेट करता, सारे प्रश्न तो मैं सेट करता नहीं था, तो शुरू शुरू में प्रश्न अगर मैं सेट करता था तो अगर 40 प्रश्न भी मैंने सेट किया तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस 24-25 पहुंच जाते थे, और अगर मैंने सेट नहीं किया तो 15-16 पर काम हो जाता था। तो टाइपिंग कॉस्ट बचा, प्रिंटिंग कॉस्ट बचा नहीं, और अगर मैं प्रश्न करूंगा तो आपके लिए स्कोर करना भी मुश्किल होगा नहीं। तो उस स्थिति में जो है थोड़ा सा आपके लिए भी फील गुड, क्योंकि आप ही में से कई लोग होंगे जिनका यह परसेप्शन बना होगा कि बीपीएससी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछती है। आप हमारे सामने स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें, लेकिन यहां से जब निकलते होंगे तो जरूर इस पर चर्चा होती होगी 100%। जब दोस्तों से मिलते होंगे, वो प्रश्न देखते होंगे, तो वो ये जरूर प्रतिक्रिया देते होंगे कि बीपीएससी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछती है। क्या मैं गलत तो नहीं हूं?
और अगर आप कहेंगे भी गलत हैं तो मैं नहीं मानूंगा कि मैं भी आप ही के बीच रहता हूं। ठीक है, तो एक चीज आप समझें, पिछले बार के बीपीएससी के प्रश्नों को पलटे और पिछले 3 साल के बीपीएससी के प्रश्नों को पलटे पीटी के, देखें तो प्रश्नों के लेंथ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, 67 से ही आप लें, कैंसिल जो हुआ था उसके पहले वाला भी और कैंसिल के बाद जो दोबारा हुआ था उसको भी, प्लस उसी फेज में डबल एओ का भी पेपर हुआ था, सीडीपीओ का भी पेपर हुआ था और एक और कोई एग्जाम था उसका, ऑडिटर का भी एग्जाम हुआ था, सबके पेपर की बात नहीं कर रहा, तो पेपर तो लंबे होंगे। अब पेपर के लंबे के साथ कोपअप कैसे करें, तो कई बार दिक्कत क्या होती है जानते हैं, मतलब पिच पर जाने के पहले आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आज खेलना कैसे है, शॉट किस तरह का खेलना है, ये गलती कभी मत करें। एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाते हैं ओपन माइंड के साथ जाएं। पेपर अगर लंबे हैं तो कई सारे टेक्निक हैं। ठीक है, एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा और वह प्रश्न था आपको इस पर प्रियम्बल पर प्रश्न था, पूरा का पूरा प्रियम्बल दे दिया। ठीक है, और डेट की जगह पर एक्स लिख दिया और फिर पूछा एक्स की जगह पर क्या होना चाहिए, तो एक बच्चा भागा भागा मेरे पास आया, बोलिए सर आधे पेज में अगर क्वेश्चन होगा तो संभव है बच्चों के लिए क्वेश्चन करना, कल ये दिमाग रहे थे सब संभव है, दिमाग नहीं रहे थे सब सब कुछ भी संभव नहीं। जब क्वेश्चन आपके सामने है नहीं तो प्रियम्बल पूरा पढ़ने की क्या जरूरत, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूछा क्या जा रहा है हम वहां पर क्यों न जाएं, और अगर एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 26 नवंबर 1949 मारिए, 5 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। मेरी बातें समझ रहे हैं, आप गौर कीजिएगा मेरे प्रश्नों में कई बार एक लाइन दो लाइन स्टेटमेंट के फॉर्म में होता, प्रश्न तीसरे लाइन में होता है, नोटिस किया है? नहीं तो वो ट्रिक तो समझना होगा ना, प्रश्नों का लंबा होना और ऐसी स्थिति में टाइम मैनेजमेंट में जो समस्या आती है उसका सिंपल फॉर्मूला है, कंप्रीहेंड करने की क्षमता को विकसित करें। कंप्रिहेंशन स्किल का संबंध, कंप्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, तेजी से पढ़ते हुए मूल बिंदु को आत्मसात करना, पकड़ना। दूसरी चीज अगर आप देखें, आप लोग क्या करते हैं, जिन प्रश्नों में 100% कंफर्म होते हैं वहां पर भी उतना ही समय देते हैं जितना समय जिन प्रश्नों को एकदम नहीं जानते उस पर देते हैं, और उतना ही समय कंफ्यूजन वाले प्रश्न पर देते हैं, और अगर यह अप्रोच रहेगा तो टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होगा ही होगा। जो प्रश्न हम जानते हैं कि एकदम हम नहीं जानते, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम आगे बढ़ेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड से ज्यादा समय हम उस पर देंगे ही नहीं, क्योंकि उस पर समय दे करके भी कुछ नहीं कर सकते, तो समय बचाया ना। अगर ऐसे 15 क्वेश्चन 150 में नहीं जानते हैं तो उस 15 क्वेश्चन को 30 सेकंड से 40 सेकंड में निपटाएंगे ना हम, तो वहां समय बचाया ना या नहीं बचाया। और ऐसे करीब करीब 50 से 55 प्रश्न होते हैं, 50 to 55 क्वेश्चन होते हैं जो प्रश्न देखते ही सीधे उत्तर स्ट्राइक करेगा और आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे नहीं, और ऐसे प्रश्नों पर रीथिंक का मौका अगर देंगे तो गलत करेंगे ही करेंगे, यह बात भी ध्यान रखें। तो वहां पर भी बहुत अधिक समय, आंसर तक पहुंचने में बहुत अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। तो करीब करीब ऐसे 70 प्रश्न हैं जहां पर हम समय को बचा सकते, सेव कर सकते, और बिना गड़बड़ी किए, बिना किसी प्रकार का रिस्क लिए समय बचा सकते।
बचे 75 से 80 क्वेश्चन जहां कंफ्यूजन की संभावना होगी, वहां पर आप आराम से समय दीजिए, आराम से समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये सब चार बातें मैंने की, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट वोंट बी एन इशू, समय प्रबंधन में समस्या नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के ये काम कीजिएगा, उन तमाम तरीकों को आपको टेस्ट सीरीज के दौरान आजमाना होगा। लेकिन समस्या आप लोगों के साथ क्या है, 24 घंटा तक मैसेज देखने के बाद जो है रेस्पोंड करने की भी जरूरत महसूस नहीं करते, जैसे रेस्पोंड करके बहुत बड़ा उपकार हम पर करेंगे। नहीं, मेरा समय तो उन्हीं को मिलेगा जो अपने प्रति कमिटेड हैं, जो सिंसेयर हैं, जो कंसर्न्ड हैं। जो कमिटेड नहीं है, जो सिंसेयर नहीं है, जो कंसर्न्ड नहीं है, उनको समय दे के मैं क्या करूंगा, वो तो खुद को समय देने के लिए तैयार नहीं। और जिनके पास अपने आप के लिए समय नहीं है, उनके कम से कम उनके लिए मेरे पास भी समय नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, अगर आपके पास अपने लिए समय है तो 24/7 आप जब मुझे ढूंढेंगे मैं उपलब्ध मिलूंगा। और अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है तब मैं खाली भी हूं तो ढूंढेंगे तो टाल जाऊंगा। पूछ लीजिए संजन जी से, पूछ लीजिए। पहले दिन आए, इनको काम दिए, पिछले टेस्ट के संडे के दिन आए, बोले हाँ लेके आए हैं, नहीं सर वो तो काम किए हैं लेकिन घरे पर रह गया। बोले तो जब घर पर से निकलेगा तब मिलिएगा, अभी मिलने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी चीज कहता हूं, आपको बुरा लगेगा, आपका ईगो हर्ट होगा, दो बच्चा जो आने वाला है उसको भड़का दीजिएगा, तो जो गधा पर नौ मन दो मन और सही, इतना तो लोड लेके बाजार में चल ही रहा हूं मैं, है? और हमेशा से चला हूं, ये सबकी मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है जो मेरा हक और हिस्सा है ना, हुकूक है, वो हम तक आएगा ही आएगा, और जहां नहीं है वहां चाह करके भी आप पहुंचा नहीं पाएंगे। समझ? और एज ए मेंटर, एज ए टीचर बात कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा छिटकता है तो कभी ये नहीं लगा कि लूजर मैं हूं, हमेशा लगता है लूजर वो है। अब इट इज ए मैटर ऑफ टाइम कि उसको एहसास इस बात का कब होता है, क्योंकि मैं औरों की बात नहीं जानता, अपने को जानता हूं। बातें स्पष्ट हुई, ये इशू भी रिजॉल्व, ये भी रिजॉल्व। अब फैक्चुअल क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, देखें कई बार शब्द जो यूज किया गया था, मेरे ख्याल से फैक्ट एट माइक्रो लेवल, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें, आपके लिए फैक्ट और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो सतह पर तैरता हुआ दिख जाए, जो सतह पर तैरता हुआ दिख जाए वही फैक्ट है। नहीं, जबकि बीपीएससी के ट्रेंड में जो चेंजेज आ रहे, ट्रेंड में जो चेंजेज आ रहे, उसमें अगर आप देखें तो सतह पर तैरते हुए फैक्ट ही नहीं होते, डीप रूटेड फैक्ट भी मौजूद होते। एक इस बात को समझें, दूसरी इस बात को समझें कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, इनमें कौन सही है या कौन गलत है, इसने क्या किया है, सतही अध्ययन के जरिए सफलता की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है। क्योंकि हो सकता है जो 5 स्टेटमेंट है एक को भी लेकर के आप श्योर ना हो और आप गलत मार करके आ जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब आपको अपने सोर्स को बदलना होगा और अब आपको अपने अप्रोच को बदलना होगा।
अपने सोर्स को बदलना होगा, अपने अप्रोच को बदलना होगा। बिना सोर्स को बदले, बिना अप्रोच को बदले समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है सोर्स को बदलने के बावजूद, अप्रोच को बदलने के बावजूद तब भी कुछ चीजें हाथ से छिटके, ठीक है। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखें, पलट करके देखें क्वेश्चंस, जो फैक्चुअल नेचर के प्रश्न होते उसमें कुछ न कुछ ऐसे संकेत मौजूद होते हैं कि बड़ी आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाए, वो संकेत मौजूद होते, आवश्यकता है उन संकेतों को पकड़ने की, समझे। और उन संकेतों को पकड़ने के लिए क्या जरूरत है, ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करें। फैक्ट के साथ एक ट्रेंड भी जुड़ा होता है ना, या नहीं होता। ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करें, या ट्रेंड के जरिए फैक्ट को याद रखने की कोशिश करें। फैक्ट अगर मिस भी कर जाएंगे, नियर अबाउट भी फैक्ट होंगे, आंकड़े के करीब होंगे नियर अबाउट भी, तो सही आंकड़े तक आप पहुंच जाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। प्लस कई सारा तरीका होता है, एलिमिनेशन थ्योरी का भी हम वहां पर इस्तेमाल करते। ऐसा थोड़े है कि सारा आंकड़ा थोड़े मुझे याद है, मेरे सामने भी आंकड़े होते तो देख करके बोल देता हूं, अगर नहीं रहेंगे तो लमसम बतला के निकल जाता ना। कई बार क्लासेज में मैं कहता हूं कि वो डाटा आप देखिए, फैक्ट देखिए, आप इसके आसपास होगा और ये ट्रेंड है। तो फैक्ट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने में उसका रोल होता। तो थोड़ा सा गहराई लाएं, गहराई लाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है ये बात नहीं, ठीक है। अगर प्रश्न उठा करके पूछा जा रहा है, कई बार असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है ना, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी का कंटेक्स हो, स्टेट वाइज कंटेक्स हो, पूछा जाता है, तो कई बार उसको हम लोग याद करते हैं तो सापेक्ष देखते हैं। अब एक दो स्टेट के सापेक्ष ये ध्यान में है, एग्जैक्ट आंकड़ा ध्यान नहीं है, तो एलिमिनेट करना हमारे लिए आसान होगा या नहीं होगा। कई बार हम लोग ऑप्शन देखते हैं, अब पता चल गया कि चार स्टेटमेंट है और पहला स्टेटमेंट गलत है, और चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन जो है उनमें एक ऑप्शन मौजूद है, तो उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ देखूंगा ही नहीं, सीधे जिसमें एक नहीं है उसको मार करके आगे बढ़ूंगा। यह सब ट्रिक है, कई बार ऑप्शन के जरिए भी आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें, कई बार एलिमिनेट करना सीखे स्टेटमेंट को। ये सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आंकड़े हमें याद हो। अभी लास्ट टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली हो लोकसभा में, तो लोकसभा अगर लोकसभा के स्पीकर अगर रिजाइनेशन देंगे तो किसको देंगे, ऑप्शन में राष्ट्रपति बाद था, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे, दो और ऑप्शन था नहीं। अगर किसी ने राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना है, ऑप्शन पिक किया है, इसका मतलब वो दिमाग लगाया नहीं है, या तो दिमाग से पैदल है या लगाया नहीं है, दो में से जो स्थिति हो। अरे भाई राष्ट्रपति या सीजेआई होते तो हम आप जरूर उसको, हमने आप जरूर पढ़ा होता, मेरी बात गलत तो नहीं है, नहीं पढ़े ये संभव ही नहीं था, तो इसका मतलब उससे इतर आंसर होगा, तो दो एलिमिनेट हो गया, तो दो पर रिस्क लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जाके चेक कीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए था मूल कर्तव्य वाले में, अदरवाइज आंसर में दिक्कत नहीं है। हाँ आपको दिक्कत लग सकती है, बातें मेरी समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वो मतलब आप इस बात को समझें, रोटी अगर बनानी सीखनी है तो उंगलियां जलानी ही होगी, बिना उंगलियां जलाए कोई रोटी बनाना नहीं सीख पाया है।
वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे? जब तक प्रॉब्लम को ग्राउंड लेवल पर आप फेस नहीं कीजिएगा, तब तक उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें, बाहर निकलने का क्या तरीका हो और कौन सा तरीका आपको सूट करता है? क्योंकि हो सकता है जो तरीका ए को सूट करे बी को ना करे, ए बी को सूट करे, सी को सूट ना करे, ए को सूट ना करे। तो हर किसी के प्रॉब्लम से बाहर निकलने के अपने अपने तरीके होते हैं। और इसीलिए कहता हूं, आप लोग जिंदगी को जीते हैं, जिंदगी को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जिंदगी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और जिंदगी को महसूस करने का मतलब, आपकी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है तो हर वाइब्रेशन को आप पकड़ने की स्थिति में हो और हर क्यों का उत्तर आपके पास मौजूद होना चाहिए, हर क्यों का उत्तर मौजूद होना चाहिए। बातें स्पष्ट हुई? तो इसलिए हमने कहा अब वो लूसेंट वाले अप्रोच से काम नहीं चलेगा। बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, वन लाइनर अप्रोच से काम नहीं चलेगा। अब फैक्चुअल क्वेश्चन भी जो है दो स्टेप नीचे जाकर के उठाए जा रहे हैं। और हमेशा बार बार मैं कहता हूं, जिस टॉपिक से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हमेशा ध्यान रखें, अगर उस टॉपिक को सतह पर देख करके निकलेंगे तो उस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे और आपके एग्जामिनेशन की नीड और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। जिस टॉपिक से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस टॉपिक पर आपको इन डेप्थ जाकर के पढ़ाई करनी होगी। हाँ, जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कम अपेक्षाकृत है वहां पर आप ऊपर ऊपर चीजों को देख करके निकल सकते, ये छूट आपके पास है। मेरी बातें स्पष्ट हुई? अब अगर मूव करें, एक प्रश्न है बिहार स्पेसिफिक करंट। एक बार आज का पेपर देखो तो 131 से 140 के बीच कितना क्वेश्चन सही किया है? नहीं, 131 से 40 का 39, 131 से 139 कितना क्वेश्चन सही किया है ये बात बतलाइए, मतलब एक अंदाजा लगाना हो। चार सही किया है, मतलब टेंटेटिव अभी लेके चल रहे हैं, कंफर्म है। चलिए, अब वो तो एनालाइज करने के बाद पता चलेगा मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा। अब जो प्रश्न यहां पर उभर करके आता, बात बिहार स्पेसिफिक करंट की हो रही है और आप सबका करंट सेक्शन में डिसमल परफॉर्मेंस, और इस डिसमल परफॉर्मेंस पर एक जेन्युइन प्रतिक्रिया बतलाऊं, अगर पहली या दूसरी कक्षा में आप लोग होते ना तो सबको खड़ा करके लाइन लाइन से बोलता आओ, और कनपट्टी में दो दो झापर जो है, मतलब रियली बतला रहा हूं, रियली बतला रहा हूं, जेन्युइन रिएक्शन, जेन्युइन फीलिंग बतला रहा हूं। कितना भी नाक रगड़ लें, साइंस बैकग्राउंड के हैं, साइंस में 30 में 30 आप नहीं कर सकते, हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, हिस्ट्री से 35 में 35 नहीं कर सकते, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं 10 में 10 रेयर केसेज में कर सकते, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिक्स से आप 16-17 में 16-17 नहीं कर सकते। लेकिन करेंट सेक्शन ऐसा सेक्शन है, करेंट सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते, मैक्सिमम स्कोर की बात कर रहा हूं। एक्सेप्शनल केस में प्रश्न देख करके लग जाएगा कि क्या नहीं कर सकते, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? आप में से काउंट करके देखे जितने टेस्ट आपने दिए हैं, कितनी बार आपने करंट सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपका स्कोर 50% से ज्यादा रहा, क्यों नहीं रहा है? रीजन इसके पीछे क्या है? ऐसा नहीं है 20 क्वेश्चन तो दर्पण से रहा है, 10 क्वेश्चन वहां से बाहर से रहा है, और न्यूज़पेपर आप पढ़ते नहीं है। 7 क्वेश्चन जो 10 में है एक दिन के न्यूज़पेपर से, और वो भी हिंदी न्यूज़पेपर से, दैनिक भास्कर से। 6 क्वेश्चन एक दिन के न्यूज़पेपर से,
आपको अंदाजा नहीं लगेगा कौन भास्कर का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें वेरिएशन है। उसमें दो क्वेश्चन में पेपर से इंडिकेशन मिला, बैकग्राउंड में जाकर के चीजों को उठाया। नहीं, अगर बिहार स्पेसिफिक करंट में दिक्कत आ रही है, बहुत सा आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे करें, बिहार सरकार के बजट को करें, और तीसरा क्या करें, न्यूज़पेपर एक बार सरसरी तौर पर बढ़िया से पलट ले। पर डे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे बिहार स्पेसिफिक, 3-4-5 3-4-5, और अभी भी आपके पास समय है, यह काम अभी भी किया जा सकता है ना। और इस बार भी यही करने जा रहा हूं, पिक कीजिए ना, उसके बाहर से प्रश्न नहीं रहेंगे, जो बतला रहा हूं, इस चीज को समझिए। 3 चीज से बाहर से अगर कोई भी प्रश्न रह रहा है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जो बतलाया। और अगर 10 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक होंगे तो 10 में से 8 क्वेश्चन यहीं से होंगे जो बतला रहा हूं। सर्वे से कवर होगा, बजट से कवर होगा, और तीसरा न्यूज़पेपर से किसी न किसी रूप में कवर होगा। ये हिंदी अंग्रेजी टोपी मत पहनाने की कोशिश कीजिए, समझे। दैनिक भास्कर अंग्रेजी में आता है, और कितना सही किए होंगे मिला लीजिएगा, समझे। ये सब जो आप लोग खेल खेलते हैं ना, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। हाँ, दैनिक जागरण मत पिक कीजिएगा प्लीज, कल के डेट में हो सकता है दैनिक जागरण वाला केस भी कर दे मुझ पर, समझे। इसीलिए आपको बतला रहे हैं ना, क्यों केस करेगा तो लड़ लेंगे, हमारी चिंता ना कीजिए। दैनिक जागरण छोड़ करके जो पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़ना है, भास्कर पढ़ना है, प्रभात खबर पढ़ना है, या जो भी पढ़ना है। वैसे मुझे लगता है भास्कर कंपैरेटिव भी ठीक ठाक है। बातें स्पष्ट हुई, पर्याप्त समय है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर इस समय को प्रॉपरली आपने यूटिलाइज किया, जिन लोगों ने अपनी प्री की तैयारी को अब तक गंभीरता से नहीं लिया है, उनके लिए क्लियर कट मैसेज है, प्री की तैयारी को गंभीरता से ले। ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है अपना 2.5 साल सेव करने। अगर 70वीं छोड़ के 71वीं के बारे में सोचना पड़े तो 2.5 साल का तो समय कम से कम गैप होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 2.5 साल बचाने का मौका ऊपर वाले ने दिया है। बीपीएससी को ब्लेम नहीं करेंगे, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लें, चैलेंजेज को एक्सेप्ट करें और परफॉर्म करने की कोशिश करें। जो प्री की तैयारी को लेकर गंभीर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वे प्री और मेंस के बीच बैलेंस बनावें और मेंस के लिए काम शुरू कर दें हर हालत में। और इसीलिए हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि 29th से क्लासेज मेंस वाले जो हैं उनको रिज्यूम करने जा रहे हैं। कम से कम समय का तो यूज करें प्रॉपरली। बातें स्पष्ट हुई, तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप चीजों को, और इसको कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, गड़बड़ियां ऑप्शन की हो सकती, ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें, वेद को माने ना माने, रामायण को माने ना माने, महाभारत को माने ना माने, कुरान को माने ना माने, बाइबल को माने ना माने, गुरु ग्रंथ साहब को माने ना माने, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गलती से भी अपने को इतना समझदार नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन आपको गलत लगने लगे।
बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और ऑप्शन भी गलत नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केस में। जैसे एक गड़बड़ी हम लोगों वाले में फंडामेंटल ड्यूटीज वाले में हुई, लेकिन ऑप्शन भी गलत नहीं होगा, वो एक्सेप्शन है। अरे वही लगने की तो बात कह रहा हूं, जब लगता है तो चेहरे पर पानी मारिए या 3 बार लंबी सांस लीजिए रुक करके, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कई बार ऐसे सिचुएशन होते जब मोर देन वन अगर एक से अधिक ऑप्शन सही लग रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा सही लग रहा है उसको पिक करें, और अगर चारों ऑप्शन गलत लग रहे हैं तो सबसे कम जो गलत है उसको पिक करें। और तीसरी एक और बात बतला देता, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्न है, तो अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्नों के कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा क्या, तो उसमें उनका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं होगा, ठीक है? क्वेश्चन सेट करने वाले ने किस एंगल से क्वेश्चन सेट किया है, अगर हम ही क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और उस समय आंसर टिक मार्क नहीं किए तो हमारे लिए भी आंसर तलाशना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि दिमाग ही तो है, कई बार जिस एंगल से सेट किया था वो स्लिप कर गया तो अपने प्रश्न में खुद उलझ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे 5-7 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, हमेशा 5-7 क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर आपको डिस्प्यूटेड होंगे, और जब भी आप कट ऑफ के बारे में सोचते हैं तो ऐसे 5-7 क्वेश्चन को आप मान करके चले आपके गलत है। जब काउंट करते हैं ना इतना स्कोर है नहीं, तो 4 कोचिंग का आंसर लिया और जिसके आंसर के साथ हमारा आंसर मैच किया, हमने मान लिया कि वो आंसर सही है, अपना भी सही मान लिया, उस कोचिंग वाले का भी सही मान लिया, ठीक है? नहीं, थोड़ा सा भी डाउट अगर है, थोड़ा सा भी आंसर डिस्प्यूटेड है, ऐसे प्रश्नों को साइड करें, तब आप काउंट करें। आप ही नहीं दे रहे हैं ना, हम लोगों ने भी दिया है ना, और आज तक जितना एक राउंड मिलाने के बाद क्या करता थे जानते हैं, स्कोर पता चल गया इतना है, ठीक है, उसको मोड़ता क्वेश्चन, रबर उसमें लगाता पेपर वाला, समझे, और पेपर वाला रबर लगाने के बाद उसको ऐसे जगह पर गताल खाता में फेंक देता क्वेश्चन को, समझे, जहां से उतारना मेरे भी बस में नहीं होता, क्योंकि ये पता था कि इससे कम स्कोर नहीं होगा, इससे 2 क्वेश्चन बढ़ जाए तो बढ़ जाए। दिस इज द थिंग। और कोई दुविधा हो किसी भी प्रकार का, क्योंकि लगभग जितने डायमेंशन प्रश्न के आपकी तरफ से मेरे सामने आए मैंने उनको रिस्पॉन्ड कर दिया। अगर कोई प्रश्न स्पेसिफिक लग रहा है जो अनरिस्पॉन्डेड है तो बोलिए, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। ऑनलाइन वाले भी अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई प्रश्न है और कोई दुविधा, ठीक है? तो सबसे पहले गंभीर होइए, करंट को हल्के में मत लीजिए, और लास्ट में आने वाली मैगजीन के भरोसे अपने करंट की तैयारी को मत छोड़िए। फिर मैं कह रहा हूं ये गलती मत करें, न्यूज़पेपर जरूर कवर करें, जरूर जरूर जरूर, मैं फिर कह रहा हूं। पढ़ती हो सीतल? कौन सा? थोड़ा सा बिहार वाला भी पलटू, ठीक है? नहीं हो तो भास्कर एक बार उसे गुजरो, क्योंकि हिंदू बिहार स्पेसिफिक नहीं कवर करेगा, और यहां तो प्रश्न रहते ही रहते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं इस बार टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि करीब करीब 5-6 लोगों के साथ मैं सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस के साथ मिला हूं, जिन लोगों ने मिलने की कोशिश की, जिन लोगों ने नहीं मिला उनको धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने अपना भी बहुमूल्य समय बचाया और हमारा भी समय बचाया।
क्या सानू जी, ठीक है, अब देखता हूँ इस टेस्ट में आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। कई लोग तो गलतियां भी नहीं करते, और इसलिए इस बार फॉर्मूला लगा दिया कि 5-15 के बाद जो भी आंसर आएंगे लिस्ट में उनको शामिल ही नहीं करना है, शामिल ही नहीं करना। क्योंकि होता क्या है, मैं नहीं कह सकता, मैं डाउट नहीं कर रहा, हाँ संदेह के घेरे में जरूर रख रहा, क्योंकि थोड़ा सा इस बात को पचा पाना मुश्किल होता कई बार। ठीक है, इतना एक्यूरेट तो मैं कभी नहीं था। मैं अपनी बात बतला दूं, समझे, मुझे लगता है अपने जानने वालों में मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट था तैयारी करने वालों में जो आसान प्रश्नों को भी खूब गलत करता था, जानते हुए प्रश्नों को भी गलत करता था, उसके बावजूद संयोग से पीटी कभी नहीं रुका। लेकिन ये सही स्ट्रेटजी नहीं थी, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। और इसीलिए प्री की तैयारी के समय तक स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई सजेशन के लिए मेरे पास आता तो मैं फॉरवर्ड दूसरे के पास कर देता, क्योंकि कहिए ईश्वर की विशेष कृपा रही। और दूसरी चीज जो है, रीडिंग हमारा बहुत वास्ट था, तो अगर सामान्य से प्रश्नों को गलत भी किया तो जो आपको टिपिकल लगते हैं, जो कठिन प्रश्न लगते हैं, वहां मैं अच्छा खासा स्कोर कर ले जाता था आसानी से, तो वो मेकअप कर जाता था। लेकिन ये सही स्ट्रेटजी नहीं है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए मैं कहता हूं ये गलती मत करें। ओके, चलिए, फिर कोई दिक्कत होगी तो बात कर लीजिएगा, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, मौका मिला तो इसी तरह आकर के रेस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।